रेड सी को दुनिया का सबसे घातक समुद्र कहा जाता है। दरअसल रेड सी के सरफेस पर ब्राइन पूल यानी खारे पूल की वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा न के बराबर होती है और यही वजह है कि यहाँ पर सरवाइव करना नामुमकिन है। बहुत से लोगों को समुद्र के रहस्यों के बारे में जानना बेहद पसंद होता है, फिर चाहे वो कोई नया रहस्यमय जीव हो या फिर समुद्र से जुड़ी कोई बात। दोस्तों आपको बता दें कि लाल सागर में पाया गया दुर्लभ खारा पूल बेहद नमकीन है। इस पूल की खोज कुछ वैज्ञानिकों की एक टीम ने की थी। इस टीम का हिस्सा रहे एक वैज्ञानिक ने खुलासा किया है कि पूल में बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं होती है। यही कारण है कि यहाँ पर किसी भी जीव का सर्वाइव करना नामुमकिन है। वैज्ञानिकों ने लाल सागर की सतह पर एक 10 फीट लंबे खारे पुल की खोज की जो समुद्री जीवों और मनुष्यों के लिए बेहद खतरनाक है। यह अनोखा पुल हद से ज्यादा नमकीन है। ये खोज पृथ्वी पर जीवन की सीमाओं का पता लगाने में मदद कर सकती है। टाइम्स नाउ में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक मियामी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की एक टीम ने डेड पुल की खोज की थी। इस खोज से पता चला था कि ब्राइन पुल में कोई ऑक्सीजन नहीं है, जिसकी वजह से ये किसी भी समुद्री जीव को तुरंत अचेत यानी कि अनकॉन्शियस कर सकता है या फिर मार भी सकता है। टीम ने रिमोटली ऑपरेटेड अंडरवाटर व्हीकल के इस्तेमाल से 1770 मीटर की गहराई पर इस पुल को ढूंढा। क्या आप पहले ऐसे किसी समुद्र के बारे में जानते थे जिसकी सतह पर एक घातक पूल मौजूद है जो उसमें तैरने वाली किसी भी चीज को मार देता है? समुद्र की इतनी गहराई पर आमतौर पर ज्यादा जीवन नहीं होता। वैज्ञानिकों ने बताया कि यह खोज भविष्य में वैज्ञानिकों को यह पता लगाने में मदद कर सकती है कि लाखों साल पहले हमारे ग्रह पर महासागरों का निर्माण कैसे हुआ। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक या शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के तमाम रोचक और अनसुनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को टैग कर दें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे।